हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूं। देखिए, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ब्रेकडाउन देखे गया है, यानी कल हमें एक फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब इसी के बारे में मैं आपको टू द पॉइंट इन डेप्थ एनालिसिस देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन देने वाला हूं कल के लिए। वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग। इसी के साथ एक जबरदस्त बैंकिंग स्टॉक बताऊंगा जो कि कल के रेट में आपको गिरावट दिखाएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, अगर हम देखिए बात करें बैंक निफ्टी की, तो देखो भाई, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपने प्रीवियस कल वाले हैमर का लो तोड़ा है। लो तोड़ने के बाद नीचे गया है बैंक निफ्टी, यानी थोड़ा अब मैं बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का बेयरिश हूं। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये सपोर्ट तोड़ चुका है। नाउ वी कैन गो फॉर द शॉर्ट सेल इन बैंक निफ्टी। अब अगर मैं आपको देखो 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं, 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने कौन सा लेवल तोड़ा है, दिस वन दोस्तों, ये वाला आपका लेवल। जब तक हमारा बैंक निफ्टी 38,370 के नीचे रहता है, 38,370 सेल बिलो, हैसल क्या होगा दोस्तों, हैसल होगा आपका 38,440 का, जो आपका टारगेट फर्स्ट होगा दैट वुड बी 38,200 का, सेकंड टारगेट 38,100 का, थर्ड टारगेट वुड बी 38,000। क्योंकि देखो 38,000 पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बाइंग पोजीशन खड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे 38,000 के आसपास निकलने का सोचेंगे, ये रणनीति रहेगी उछाल में भी। और अगर डे लो टूटता है, यानी अगर 38,220 का लेवल टूटता है, ये लो, ठीक है, प्रीवियस डे लो टूटता है, तो भी हमको सेल करके चलना है नीचे साइड। ऑलराइट, सो ये रणनीति है कल के डेट में बैंक निफ्टी की। और देखो यहाँ पे क्लियर कट ना बियरिश, यहाँ पे बियरिश हैमर का फॉर्मेशन कर चुका है। इनफैक्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हेयर, वो भी यहाँ पे तोड़ चुका है, तो हल्का फुल्का अब हमको करेक्शन यहाँ तक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ये सपोर्ट तक। ये सपोर्ट कहाँ पर है, 37,000 तक, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। बाकी अगर नहीं होता है तो हमारा बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा। इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक जबरदस्त पुट ऑप्शन भी बताने वाला हूं। अगर दोस्तों बात करें निफ्टी की, देखो निफ्टी बिल्कुल अभी सपोर्ट पे है, निफ्टी थोड़ा बहुत मेरे को अभी फ्रेश शॉर्ट सेल करने का अलाउ नहीं कर रहा। देखिए मैं दोस्तों निफ्टी को शॉर्ट कब करके चलूंगा, इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट कब करके चलूंगा, जब मेरा निफ्टी इसके नीचे टूटता है, जब मेरा निफ्टी इसके नीचे जाता है। आपका लेवल कितना है, ये आपका लेवल है 17,920 का, ठीक है, हमको फ्रेश शॉर्ट करके चलना है, फ्रेश सेल करके चलना है आपको 17,000, यानी 17,920, एसएल वुड बी 17,950 का, टारगेट वन होगा 17,850, टारगेट सेकंड होगा आपका 17,800 का, और टारगेट थर्ड वुड बी 17,770 का। ये तीन टारगेट आपको देखने मिलेंगे दोस्तों निफ्टी में 100%, ठीक है। सो निफ्टी भी काइंड ऑफ सेलिंग के लिए है, लेकिन अभी नहीं, नॉट दिस लेवल। हाँ, हमारा अगर दोस्तों लेवल ये सस्टेन करता है तो, बाकी अगर यहाँ पे रेंज बनाता है आप बाय मत करके चलिएगा अभी, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत रेंज बनने दीजिएगा। अगर रेंज बनने के बाद कुछ ना कुछ फॉर्मेशन अगर ऊपर साइड तोड़ेगा तो बाय करेंगे, अगर रेंज बनने के बाद नीचे तोड़ता है तो हम सेल करके चलेंगे। क्योंकि देखो आज भी गिरावट हमको अच्छी खासी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट की, ठीक है, तो रेंज बनाता है, रेंज बना के, या देखो देखिए दोस्तों रेंज बना के ही तोड़ेगा या तो रेंज बना के ऊपर जाएगा, बाकी अब कल फॉर्मेशन हम होने का वेट करते हैं, ठीक है। तो हम जान चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल इनडेप्थ में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी का डेली पे चार्ट दिखाऊं तो देखो भाई डेली के चार्ट भी सेम सिंपल सा, देखो यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, अगर ये टूटता है तो यहां तक आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। यहाँ ये कहां तक है, 17,500 तक, ठीक है, 17,500 तक। तो हम जान चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। चलिए जानते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों स्टॉक्स के बारे में जाने उससे पहले, दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं सो यू शुड स्टॉप योर ट्रेडिंग राइट नाउ, और आपको फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि दे विल मेक मनी, बट दोस्तों इन द एंड वो लोग अपने कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। दोस्तों मैंने विद इन वन ईयर 50-60% का CAGR जनरेट किया है अपने पोर्टफोलियो में। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट को एज अ प्रोफेशनल करियर बिल्डअप करना, और अगर आप चाहते हैं
प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना, और अगर आप स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एंट्री और एग्जिट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परफेक्ट ट्रेड फाइंड आउट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। हमारा 19th of November को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट फाइंड आउट करना, तो आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच में एनरोल करवा सकते हैं दोस्तों। यहां पे हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्विंग, लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। सो दोस्तों, आप इस दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे हमको कॉल और व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 19th of November के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के लिए महज 4 दिन बच गए हैं, सो बुक योर सीट राइट नाउ दोस्तों। जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है ICICI बैंक, इसको बेच के चलना है। देखो ये सपोर्ट गैप भी फिल किया है, सपोर्ट भी तोड़ दिया है, और बियरिश हैमर भी फॉर्म कर दिया। देखिए आप डेली के चार्ट बियरिश हैमर फॉर्म कर दिया है। नाउ वी कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन 10 मिनट चार्ट। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये स्ट्रेट सपोर्ट का देखो ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ वी हैव टू गो ऑन द सेल 765 के, जब तक नीचे रहता है, ठीक है। 765 के नीचे सेल बिलो करके चलना है। SL वुड बी 768 का टारगेट 1 वुड भी, देखो अभी ऑलमोस्ट कल अगर मान लो हल्का फुल्का गैप अप भी खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेच के चलेंगे। टारगेट 1 होगा आपका 700, ओके 58 का। टारगेट 2 होगा आपका 755 का। टारगेट 3 होगा 752 का। तो ये 3 टारगेट होंगे दोस्तों ICICI बैंक में, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं हमारे लास्ट स्टॉक को दोस्तों लास्ट स्टॉक बताऊं उससे पहले आइए मैं आपको लेके चलता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल में। यहां पे मैं आपको दोस्तों क्विक व्यू देने वाला हूं कि हमने आज आपको कौन कौन से स्टॉक दिए थे। देखो आज हमने जितने भी स्टॉक दिए थे सारे मोस्टली प्रॉफिटेबल रहे, गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ के दोस्तों। उसमें SL हिट हुआ जो है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और बाकी सारे जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों आज हमारा माइंड्री बहुत बढ़िया रहा। हमने आपको ICICI बैंक शॉर्ट करने को दिया था, देखा आपने, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हमने कल ऐसी SBI शॉर्ट सेल दिया था, आज दोस्तों ICICI शॉर्ट सेल दिया। आई होप आप लोगों ने पैसा जरूर कमाया होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, हमने आपको फिर दिया था इंडिया मार्ट, जबरदस्त बोलते हैं, अरे वाह वाली मोमेंटम हमको देखने को मिली थी, अगर आपने देखा होगा। सो इंडिया मार्ट में एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक दोस्तों। थोड़ा मॉर्निंग में कन्फ्यूजन सा था, लेकिन लास्ट हमको बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। तो ये हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। और आपने देखा फिनोनिक्स केबल को, जबरदस्त, हमने आपको कल स्विंग ट्रेड के लिए दिया था 522.20 के आसपास, आज उसने 595.94 का हाई लगाया है दोस्तों। हमारे जैसा स्विंग शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड इंट्राडे ट्रेड कोई और नहीं देता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाके देखो आप लोग, ठीक है। यहां पे मेरे यहां दोस्तों मैं आपको SL हिट टारगेट हिट भी बता रहा हूं, बाकी और जगह कोई नहीं आपको इतना बताएगा। ऑलराइट, सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको बताता हूं कि अब आपको कौन सा पुट ऑप्शन लेके चलना है दोस्तों। आपको पुट ऑप्शन लेके चलना है 38,300 का, ठीक है। 38,300 का आपको पुट ऑप्शन लेके चलना है 18th ऑफ एक्सपायरी का, ठीक है। यह आपको कितने के ऊपर आपको बाय करके चलना है, लेट मी शो यू। ये आपको बाय करके चलना है 285 के ऊपर, ठीक है। तो बाय अबव 285 SL वुड बी 240 का। टारगेट 1 वुड बी 350 का। टारगेट 2 वुड बी 400 का। टारगेट 3 वुड बी 450 का। दोस्तों ये 3 टारगेट होंगे इस पुट ऑप्शन में, 38,300 का पुट ऑप्शन आपको लेके चलना है। तो सेकंड स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक, इसको आपको सेल करके चलना है, क्योंकि दोस्तों देखो डेली के चार्ट पे यहाँ पे बियरिश एंगल्फिन फॉर्म कर चुका है और ये लो तोड़ चुका है। नाउ वी कैन गो फॉर द शॉर्ट सेल। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप आएंगे तो क्या करके चलना है, प्रीवियस डे लो के नीचे आपको सेल करके चलना है। इसके SL टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट लाते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। आप अगर आप यहां तक देखें हमारी वीडियो को, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो, ठीक है। टिल देन मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।